दोस्तों आपका सवाल नंबर एक है, एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? आपके ऑप्शन है ए 206 हड्डियां, बी 270 हड्डियां, सी 208 हड्डियां, डी 300 हड्डियां। इसका सही जवाब होगा डी 300 हड्डियां। दोस्तों आपका सवाल नंबर दो है, भारत के किस राज्य में सबसे कम बारिश होती है? आपके ऑप्शन है ए गोवा, बी केरल, सी राजस्थान, डी गुजरात। आपका सही ऑप्शन है सी राजस्थान। दोस्तों आपका सवाल नंबर तीन है, भारत का सबसे खुशहाल राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए मिजोरम, बी झारखंड, सी महाराष्ट्र, डी उत्तर प्रदेश। आपका सही जवाब होगा ए मिजोरम। दोस्तों आपका अगला सवाल है, भारत में खेतों की सिंचाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए तालाब, बी नहर, सी नदी, डी कुआं। आपका सही जवाब होगा बी नहर। दोस्तों आपका सवाल नंबर पांच है, हरिद्वार किस नदी के घाट पर स्थित है? आपके ऑप्शन है ए यमुना नदी, बी गंगा नदी, सी सतलज नदी, डी चंबल नदी। इसका सही जवाब होगा बी गंगा नदी। दोस्तों आज के सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए अगला सवाल स्क्रीन पर है। दोस्तों आपका सवाल नंबर छह है, भारत के किस शहर में सोने का एटीएम लगाया गया है? आपके ऑप्शन है ए मुंबई में, बी दिल्ली में, सी हैदराबाद में, डी गुजरात में। इसका सही जवाब होगा सी हैदराबाद में। दोस्तों आपका सवाल नंबर सात है, मनुष्य अपने जीवन का लगभग कितने वर्ष सोने में बिता देता है? आपके ऑप्शन है ए 10 वर्ष, बी 15 वर्ष, सी 25 वर्ष, डी 30 वर्ष। आपका सही ऑप्शन है सी 25 वर्ष। दोस्तों आपका सवाल नंबर आठ है, इंसान को एक दिन में कितना लीटर पानी पीना चाहिए? आपके ऑप्शन है ए 4 लीटर, बी 6 लीटर, सी 8 लीटर, डी 10 लीटर। आपका सही जवाब होगा सी 8 लीटर। दोस्तों आपका अगला सवाल है, पाकिस्तान नामक गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए केरल, बी सिक्किम, सी बिहार, डी महाराष्ट्र। आपका सही जवाब होगा सी बिहार। दोस्तों आपका सवाल नंबर 10 है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? आपके ऑप्शन है ए गृह मंत्री, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी मुख्यमंत्री। इसका सही जवाब होगा बी राष्ट्रपति। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें,
तो चलिए अगला सवाल स्क्रीन पर है। दोस्तों आपका सवाल नंबर 11 है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी? आपके ऑप्शन है ए आम, बी पीपल, सी नीम, डी बरगद। इसका सही जवाब होगा बी पीपल। दोस्तों आपका सवाल नंबर 12 है, किस फल को खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है? आपके ऑप्शन है ए केला, बी अमरूद, सी सेब, डी कीवी। आपका सही ऑप्शन है डी कीवी। दोस्तों आपका सवाल नंबर 13 है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ए गुजरात में, बी दिल्ली में, सी मुंबई में, डी कोलकाता में। आपका सही जवाब होगा बी दिल्ली में। दोस्तों आपका अगला सवाल है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए माउस को, बी सीपीयू को, सी कीबोर्ड को, डी मॉनिटर को। आपका सही जवाब होगा बी सीपीयू को। दोस्तों आपका सवाल नंबर 10 है, रोजाना आलू खाने से कौन सी बीमारी हो सकती है? आपके ऑप्शन है ए कैंसर, बी पथरी, सी मोटापा। डी सुगर। इसका सही जवाब होगा सी मोटापा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अगला सवाल स्क्रीन पर है। दोस्तों आपका सवाल नंबर 16 है, चाय पीने से कौन सी बीमारी हो जाती है? आपके ऑप्शन है ए शुगर, बी कैंसर, सी पायरिया, डी कब्ज। इसका सही जवाब होगा सी पायरिया। दोस्तों आपका सवाल नंबर 17 है, भारत में सबसे ज्यादा किस फसल की खेती की जाती है? आपके ऑप्शन है ए गेहूं की, बी चावल की, सी मक्का की, डी गन्ने की। आपका सही ऑप्शन है बी चावल की। दोस्तों आपका सवाल नंबर 18 है, दूध और जलेबी खाने से कौन सी बीमारी ठीक हो जाती है? आपके ऑप्शन है ए पथरी, बी कैंसर, सी बवासीर, डी सिर दर्द। आपका सही जवाब होगा डी सिर दर्द। दोस्तों आपका अगला सवाल है, ताजमहल को बनाने में लगभग कितने मजदूरों ने काम किया था? आपके ऑप्शन है ए 15,000, बी 20,000, सी 25,000, डी 35,000। आपका सही जवाब होगा बी 20,000। दोस्तों आपका सवाल नंबर 20 है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी हो जाती है? आपके ऑप्शन है ए कैंसर, बी रेबीज, सी मलेरिया, डी चेचक। दोस्तों इस सवाल का जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों रोजाना ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।